भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा चौथे टेस्ट मैच का चौथा दिन, ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया के नाम नजर आ रहा है। दूसरे सेशन में ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर की शानदार पार्टनरशिप हमने देखी और उसके बाद उमेश यादव और जसप्रीत बुमराह की साझेदारी देख रहे हैं। इस बीच 140वें ओवर में उमेश यादव ने मारा था स्टेडियम पार छक्का, पूरा का पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। न सिर्फ भारतीय ड्रेसिंग रूम बल्कि हर कोई खुशी से झूम उठा कि आखिरकार उमेश यादव ने ये किया क्या। भारत अंग्रेजों से 326 रन आगे हो चुका है और इंग्लिश टीम के खिलाफ एक मजबूत बढ़त ले चुका है। उमेश यादव और जसप्रीत बुमराह जितने रन जोड़ेंगे उसका फायदा टीम इंडिया को अब होता नजर आएगा, लेकिन अभी तक काफी शानदार यहां पर टीम इंडिया ने बल्लेबाजी की है। 330 से ज्यादा की बढ़त भारतीय टीम हासिल कर चुकी है। ओवल के मैदान पर भारतीय टीम की जबरदस्त वापसी हुई है। अब ये देखना होगा कि भारत कितने रन यहाँ से और जोड़ पाता है ताकि इंग्लिश टीम को दबाव में डाल सके। जबरदस्त अंदाज में भारतीय टीम ने अभी तक यहाँ पर बल्लेबाजी की है और पूरे तरीके से अंग्रेजों पर दबाव बना कर रखा है, लेकिन उमेश यादव का जो ये छक्का है ये सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा। ज़बरदस्त बल्लेबाजी, जिस तरीके की दरकार थी, जिस पारी की दरकार थी, वो उन्होंने एक कैमियो अपना प्ले किया है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।